रामायण की कहानी हर कोई जानता है और इस कहानी के हर एक पात्र लोगों को प्रभावित भी करते हैं। रामायण काव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इस रचना में श्री राम के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, विवाह, वनवास, युद्ध, रावण का अंत और सीता का परित्याग सब कुछ शामिल है। टीवी सीरियल और फिल्मों के जरिए भी हमने बहुत से पात्रों के बारे में बहुत ही करीब से जाना है। उसमें हर किसी का उल्लेख बहुत ही बारीकी से मिलता है, जबकि बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि दशरथ के सिर्फ चार पुत्र ही नहीं बल्कि एक पुत्री भी थी और श्री राम की बहन का जिक्र यानी कि सीता की ननद का जिक्र किसी भी कहानी या रचना में कभी नहीं हुआ है। ये बात तो सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की तीन पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों ही रानियों से राजा को कोई संतान नहीं हो रही थी। उसके बाद जब उन्हें संतान प्राप्ति हुई तो कौशल्या ने राम के साथ साथ एक पुत्री को भी जन्म दिया था। वहीं सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया था। श्री राम के साथ जो एक पुत्री पैदा हुई उसका नाम था शांता। रामायण के मुताबिक शांता बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी। एक बार राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ उनके राजमहल में पधारे। रोमपद अंग देश के राजा थे। राजा रानी को किसी बात की कोई भी तकलीफ नहीं थी सिवा इस बात के कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। एक राजा रानी के लिए उनकी प्रजा तो उनकी संतान ही होती है, लेकिन एक पति पत्नी को एक संतान की जरूरत जरूर होती है। जब वो राजमहल में आए तो उन्होंने शांता को खेल खेलते हुए देखा। सब आपस में बात करने लगे तो रानी वर्षिणी ने बातों बातों में अपनी बहन से कहा कि अगर उनके पास शांता जैसी गुणवती और सुंदर बेटी होती तो वो कितने भाग्यशाली होते। उनकी पीड़ा राजा दशरथ और रानी कौशल्या से देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी पुत्री शांता को रानी वर्षिणी को सौंप दिया। पुत्री माँ के पास रहे या फिर मासी माँ के पास, क्या फर्क पड़ता है। शांता को पुत्री के रूप में पाकर राजा रानी गदगद हो गए। उन्होंने राजा दशरथ और रानी कौशल्या का आभार जताया। जब शांता अपने घर में गई तो उसका लालन पालन और भी बढ़ गया। इतने बाद संतान सुख पाकर राजा रोमपद और रानी वर्षिणी भी हमेशा खुश रहते। वो अपने बेटी के मुंह में इतने अंधे हो गए कि उन्हें किसी भी बात की सुध नहीं रहती। एक बार एक ब्राह्मण उनके दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए आया, लेकिन राजा रानी पुत्री की बातों में गुम थे। उन्होंने ब्राह्मण की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मण निराश होकर खाली हाथ वापस लौट गया। ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था और अपने भक्त को मायूस देखकर इंद्रदेव बहुत ही गुस्सा हुए। इंद्रदेव ने वरुण देव को आदेश दिया कि अंग देश में वर्षा बंद कर दी जाए। वरुण देव ने इंद्र के आदेश पर ऐसा ही किया। उसके बाद अंग देश में वर्षा रुक गई और चारों तरफ कोहराम मच गया। राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए और समस्या का समाधान मांगा। ऋषि श्रृंग ने उन्हें यज्ञ हवन करने को कहा, जिसके बाद इंद्रदेव खुश हुए और वर्षा कर दी। राजा रोमपद ऋषि श्रृंग से खुश हो गए और शांता का विवाह उनसे करा दिया। तो इस तरह से शांता थी राम की बहन और सीता जी की ननद। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से विनीत राय की रिपोर्ट।